सो प्रीटी यार, यहाँ पे छाया है, उस पहाड़ पे धूप है, कितना अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, डे 3 इन जयपुर। सो आज हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं, ओल्ड सेट, सब कुछ सामान वगैरह मैंने सेट कर लिया है। सो अभी होटल से मैं चेकआउट करता हूँ, सीधा हवा महल की तरफ जाता हूँ, क्योंकि कल मेरे को हवा महल विजिट करना था जो मैं नहीं कर पाया बारिश की वजह से। सो आज मैं हवा महल विजिट करूँगा, देन उसके बाद मैं सीधा अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। सो मिलते हैं आपसे वहीं पर हवा महल में, बाय। अभी मैं हवा महल के अंदर हूँ। सो ये जो खिड़कियाँ बनाई गई थी रानियों के लिए बनवाई थी राजा ने, ताकि वो यहाँ से चोरी बाजार को देख सके। सो बाहर से देखने पे पता नहीं लगता कि अंदर से कोई उनको देख रहा है, लेकिन अंदर से वो बाहर सब कुछ देख सकते थे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी नींव है ही नहीं, इसको ऐसे कैसे खड़ा कर रखा है, और ये 300 साल पुराना है। सो कैन यू बिलीव दिस, 300 साल पुराना बिना किसी नींव के। उनके जो आर्किटेक्ट थे वो बेमिसाल थे, जो वो काम करते थे वो आज के आर्किटेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। आई डोंट कि 300 साल पुराने तक वो बिल्डिंग रह सकती है, और वो इस स्टेज पे खड़ी है आज भी कि लोग बाग उस पर घूमने के लिए आते, इतना सारा ट्रैवल, इतने सारे लोग उस पर देखने के लिए ऊपर चढ़ते हैं फ्लोर्स पे। हवा महल, अभी आप लोगों ने हवा महल सारा का सारा देख लिया है मेरे साथ, तो अभी मैं इसके बाहर हूँ। सो चलते हैं अब यहाँ से, करते हैं जयपुर को बाय बाय। तो चलिए मेरे साथ आप दिल्ली, बाय। सो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी रॉयल आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे राजा महाराजा ही थे रॉयल टाइप। सो वो सभी के सभी की हवेलियाँ, उनके महल, उनके पैलेस ऐसे के ऐसे ही हैं, सेम गवर्नमेंट ने, जयपुर की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से रखा है। सो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और आप कभी आओ तो ज़रूर इन सब चीज़ों पे विजिट करो जो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को यहाँ की चीज़ें बताई और दिखाई हैं। सो रॉयल राइडर इन रॉयल प्लेस, नाइस यार। तो अभी हमने यहाँ पे 950 रुपये का अपना पेट्रोल फिल करा लिया है, और अब निकल रहे हैं यहाँ से। इस मेले में ये बच्चा अकेला, ये देखिए, ये कभी भी अपनी लाइन में नहीं चलेंगे, ये लेफ्ट राइट चलते हैं हमेशा।
काफ़ी ज़्यादा टाइट हूँ, आप मेरा फेस देख के देख ही सकते हो कि मैं कितना टाइट हूँ। मेरी आंखें देखो नीचे। सो, अभी 100 किलोमीटर से ऊपर बाइक चल चुकी है, मिस ब्लैकी पीछे है, तो अभी वो रेस्ट कर रही है, उसको रेस्ट करने दो। 250 किलोमीटर और है जो आगे हमें कवर करना है, मे बी 250 से आगे ही होगा क्योंकि 200 किलोमीटर तो अभी यहाँ से है दिल्ली ने। तो अभी एक ढाबे पे हम यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ पे सम कॉफ़ी सम टी, एक छोटा सा ब्रेक। भैया मीठी है, कैसी है? हाँ, खा रहा हूँ मैं चाय के साथ में ये खाऊंगा और उसके बाद फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा। नीचे है, इसके पीछे एक और बादल दिख रहा है और उसके पीछे एक और बादल दिख रहा है, तो जस्ट लाइक 3D व्यू होता है, तो वो अभी नजर आ रहा है हमें। ओल्ड राव ढाबा, तो काफ़ी सुना है इसके बारे में। तो ये हमारे रास्ते में पड़ता था गुड़गांव से काफ़ी पहले है, तो इसमें हम यहाँ पे अपना लंच करने वाले हैं जो कि हम मिस कर चुके थे। तो सभी 4:30 हो रखे हैं, तो इसके बाद लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, ओल्ड राव ढाबा जो था काफ़ी अच्छा था, बहुत ही लजीज खाना था। तो अभी वहाँ से हम निकले हैं, तकरीबन हमें वहाँ पे घंटा सवा घंटा हमने वहाँ पे रुका, तो ऑलमोस्ट हम बहुत लेट हो चुके हैं और गूगल माता हमें दिखा रही है कि हम 8 बजे के आसपास अपने घर पहुँचेंगे।